हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद आज मैं ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मेरे घर में बन रहे हैं आलू पराठा। और हमारे घर में जो कुक अंकल हैं वही बना रहे हैं आलू पराठा, क्योंकि आज सबका डिमांड था कि आज आलू पराठा ही बनेगा। और डेली सिंपल सिंपल खाते खाते थोड़ा सा मन वो हो गया था, तो फिर आज हम लोगों ने सोचा, रात में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि आज आलू पराठा खाएँगे और सब्जी बनेगी। तो यहीं सुबह में हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला है और लंच भी यहीं हो जाएगा, साथ में दाल चावल भी बनने वाला है। तो अगर आप लोग पहली बार आते हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। और आज का ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। आज है जो छठ पूजा में खरना होता है वो है, तो आज मेरी मम्मी का फास्ट है और शाम को आज रात में मम्मी पूजा करती हैं। जैसे शाम वाला जो छठ होता है ना वो कल है, लेकिन आज जो होता है वो खरना जिसको बोलते हैं, कुछ लोग करते हैं इसको और कुछ लोग नहीं करते हैं। वैसे तो 3 दिन का फास्ट माना जाता है छठ पूजा का, लेकिन आज वाला जो है बहुत सारे लोग जो होते हैं नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। तो आज है फास्ट और जो भी तैयारियां हैं छठ पूजा की, यहाँ पे है मेरे साथ, यहाँ पे प्रिंसू खेल रहा है। और ये ना जो मैं बोतल ली थी पानी का, उससे ये खेल रहा है क्योंकि दीदी अभी थोड़ा सा बिजी है। प्रिंसू इधर देखो बेटा, प्रिंसू इधर देखो, इधर। हाँ, और बोल दो प्रिंसू इसमें देखो, इसमें बोल दो हेलो। तो प्रिंसू यहीं पे खेल रहा है और अभी दोपहर के आई थिंक 1:30 बज चुके हैं। मैंने वीडियो पब्लिश किया था आज 1 बजे, जो मेरी यूट्यूबर मेरे से मिलने आई थी वहीं वाली आज मेरी वीडियो पब्लिक हुई है। और आज इवनिंग में भी मैंने सोचा है कि एक मैं ब्लॉग डाल दूं, और आज से आज वाला जो ब्लॉग है उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कंटिन्यू। और हो सकता है कि 4-5 दिन मेरा ब्लॉग ना जाए, तो हो सकता है ये वाला ब्लॉग चला जाए या फिर नहीं भी मिले, ये भी हो सकता है। तो मैं बीच में 5 या 6 दिन ब्लॉग नहीं डालूंगी, तो प्लीज़ आप लोग वेट करिएगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूंगी। और आज मैंने डाली है ये वाली कुर्ती जो एजियो की थी, और काफ़ी कंफर्टेबल ये वाली कुर्ती। अभी तो मैंने बैठा है, जब मैं बाहर जाती हूँ ना फिर मैं थोड़ा सा मन हो रहा था अभी रील बनाने का। बाबू आ जाओ, ऊपर आ जाओ मेरे साथ। और अभी आज आने वाला है मेरा भाई, मतलब जिसकी शादी है वो आज आने वाला है, अभी आने वाला है थोड़े टाइम में, मतलब हो सकता है कि 1-1.5 घंटे बाद वो पहुंच जाए यहाँ पे। तो आज वहाँ से निकला था वो सुबह सुबह 5 बजे निकला था जहाँ वो रहता है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लग गया। हो सकता है कि स्पर्श को भी लेके आए, मतलब अभी कन्फर्म कुछ नहीं है क्योंकि इनको मैंने बोला था आज आ जाइए स्पर्श को लेके, तो ये मना कर रहे थे कि कल आऊँगा मैं। तो देखिए अगर आना होगा तो साथ में आ जाएंगे दोनों लोग, नहीं तो अगर नहीं आना होगा तो कल ही आएंगे या फिर परसों आएंगे। तो चलिए फिर बाद में मिलती हूँ, आ जाओ बेटा इधर आ जाओ। और आज हमारे घर में मॉर्निंग टाइम में बना था आलू पराठा, और दोपहर के लिए बना था चावल और दाल, और सब्जी बनी थी लाल वाला जो साग होता है ना उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, और आलू का मिक्स करके सब्जी बनी थी। तो यही हमारा खाना था दोपहर का, तो सुबह ही बना दिए थे, मतलब 10 बजे के आसपास बना दिए थे, और फिर शाम का। चलिए फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ और इसके बाद फिर मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। यहाँ मैं बाबू को बाहर लेके बैठी और मैं स्टोरी भी सुन रही थी, और अभी मैं बाहर बैठे बैठे स्टोरी सुन रही थी, काफी देर तक स्टोरी सुनी, और मुझे स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मैं पॉकेट एफएम पे स्टोरी सुना करती हूँ, वहां पे हर एक तरह की स्टोरी मिल जाती है जैसा आप सुनना चाहते हैं। और मेरा कभी ऐसा होता है ना कि मैं काम भी करती हूँ और स्टोरी भी सुना करती हूँ, जैसे किचन का काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ या फिर कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, तो ऐसे मेरा क्या होता है ना कि मेरा काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है और मेरा काम करने में दिल भी लगता है। तो ऐसे मैं स्टोरी सुना करती हूँ। पहले ऐसा तो कि बहुत टाइम होता था, तो उस टाइम पे मैं बुक्स में स्टोरी पढ़ा करती थी। शादी हो जाने के बाद फिर बहुत ही कम टाइम मिल पाता है, बहुत ही हमारी बिजी लाइफ हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ जब भी काम कर रही होती हूँ ना उस टाइम पे मैं स्टोरी सुना करती हूँ, जैसे खाना बना रही हूँ या फिर मैं कपड़े फोल्ड कर रही होती हूँ या फिर ऐसे कुछ भी घर का काम कर रही होती हूँ, उस टाइम पे स्टोरी में लगा देती हूँ पॉकेट एफएम पे और सुना करती हूँ। इससे मेरा काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है और मेरा काम करने में दिल भी लगता है, और साथ ही साथ स्टोरी भी मैं
मैं सुन लिया करती हूँ। तो आप वहाँ पे पॉकेट एफएम पे हर एक तरह की स्टोरी सुन सकते हैं। और आजकल मैं जो स्टोरी सुन रही हूँ वो है लव कॉन्ट्रैक्ट, और काफी अच्छी स्टोरी मुझे लगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उस स्टोरी को सुनिए। और वो एक स्टोरी ही नहीं है, उस पर शॉर्ट फिल्म भी बनी हुई है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। और उसका प्रोमो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। चलिए मैं उसका आपको दिखा देती हूँ, छोटा सा प्रोमो जिससे जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। वैसे भी तुझे लगता है कि मैं गलत लड़की हूँ, तो तू बता क्यों करनी है मुझसे शादी? तुम जानते हो लोग तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या कहते हैं? जानता है कि अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मुझे कुछ भी याद नहीं है, कल रात क्या हुआ, कैसे हुआ। तो तू मुझसे शादी करके अपनी गलती सुधारना चाहता है? रुको, तुम कहीं नहीं जाने वाली। कबीर एंड श्रेया की कहानी सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप। आप लोगों ने प्रोमो देखा कितना ज्यादा अच्छा है, और ये काफी मजेदार कहानी है। और इस शॉर्ट फिल्म की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहां से क्लिक करके इस शॉर्ट फिल्म को देख सकते हैं। और अगर आप लव कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो आपको पॉकेट एफएम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और इसपे बहुत ही मजेदार कहानियां हैं, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप जैसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं वहां पे आपको कहानियां मिल जाएंगी। और पॉकेट एफएम का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कीजिए। हाँ, पापा बाहर हैं और मेरा भाई भी आ चुका है, अभी जस्ट आया है, तो वो अपनी गाड़ी लेके और अंदर आ रहा है, साथ में वो ड्राइवर लेके, क्योंकि काफ़ी दूर से इतने देर तक वो ड्राइव नहीं कर सकता था। और हम लोग भी काफ़ी हैप्पी थे कि दूल्हे राजा आ गए फाइनली, अब हमारी मस्ती स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हम तीन लोग तो थे लेकिन वो नहीं था ना, तो मस्ती हम कर नहीं पा रहे थे, तो अब बस स्टार्ट हो जाएगी और ब्लॉगिंग भी काफ़ी अच्छी लगेगी। और ऐसे सब लोग जब इकट्ठा होते हैं और शादी का घर होता है ना, माहौल ऐसा रहता है, तो और भी तो फर्स्ट टाइम देखी उसकी आ गया हम ब्लॉग में वो, और एंट्री हो चुकी है ब्लॉग में, और उसने यहाँ से वो करेगा हाय आप सबको। तो यहाँ से थोड़ा सा ना मैंने वॉइस को म्यूट कर दिया, मैंने सोचा था कि ओरिजिनल वॉइस लेके आऊँगी, लेकिन थोड़ा सा सॉन्ग्स वगैरह बज रहे थे तो मेरे को म्यूट करना पड़ा। पीछे पूरा ही सामान भरा हुआ है, पीछे भी, और पीछे का जो सीट है वहाँ पे भी पूरा सामान भरा हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान उसको लेके आना पड़ा। और ये हमारे नीचे का जो घर है उसके आगे का ये जगह है, साइड में मम्मी दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे अरबी के पत्ते लगे हुए हैं जो छोटे छोटे से हैं, और जो भी सो प्लांट होते हैं और गिलोय वगैरह सब मम्मी यहाँ पे लगा रखी है। बाकी ऊपर वाला प्लांट स्टोर मैं कराऊंगी आगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग वेट करना। यहाँ पे उसकी जो शादी के जोड़े हैं वो सब वो वहीं से शॉपिंग किया है बनारस इलाहाबाद से, तो वो सारा कुछ वो लेके आ रहा है यहाँ पे। तो अभी बाद में सामान और सब भी निकलेंगे, पापा भी निकाल रहे हैं, वो भी निकाल, तो मैं साइड से ऊपर से आपको दिखाती हूँ जब वो एंट्री करेगा तो। और काफ़ी हम सब खुश थे, और मैं तो सोची थी कि चलो उसकी वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे आ गया फाइनली, आप लोगों से मिल लिए दूल्हे राजा, तो बस अब शादी भी है इनकी। और हमारे घर में ऐसा होता है ना कि ब्लॉगिंग, हम अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो सबकी वीडियोस थोड़े थोड़े ना मैं ऐड करती ही जाती हूँ। ये वाला हमारा घर अभी आपको काफ़ी मैशी दिखेगा, तो फिर उसको इग्नोर करिए, कि छठ पूजा शादी सब कुछ, कपड़े इधर उधर, कौन से क्या चीज़ है ना कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे ना पाँव छुआ, इसने कभी मेरा पाँव नहीं छूता है, लेकिन पाँव छुआ तो मुझे काफ़ी हंसी भी आ रही थी, तो वो बोला कि कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ, मैं जल्दी से उसने पाँव छू लिया और भाग गया, बोले कैमरे में नहीं आया नहीं आया, बोले ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ पे मम्मी को ढूंढ रहा था कि मम्मी कहाँ है, और यहाँ पे मम्मी आ भी गई हैं, तो वो मम्मी काफ़ी बिजी थी उधर सामान रखने में, वो मम्मी को ढूंढ रहा था और यहाँ खड़ा था कि मैं मम्मी के पाँव छूऊंगा। आ जाओ, मैं अभी आई हूँ, हमारे नीचे वाला फ्लैट खाली है तो यहाँ पे बेडशीट लगाना है, और मैं अभी होम टूर कराऊंगी यहाँ का, एक फ्लैट का होम टूर करा दूंगी, उसके बाद धीरे धीरे अगर खाली होगा ना तो मैं कराऊंगी।
पहले मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे बेड लगा है और ये बेड इसलिए लगा है कि ड्राइवर जो है ना वो यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि भाई है और वो भी ड्राइवर लेके आया हुआ है, उतनी दूर से वो फिर ड्राइव करके नहीं आ सकता था, और हमारे घर में जो है वो तो खैर चले जाते हैं घर और आ जाते हैं, लेकिन इसलिए ये बेड लगा है और नेट यहाँ पे रखा गया है। हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपको अंधेरा है तो मैं इसका होम टूर आपको करा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। उसके बाद ये है इसके बगल में, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे है किचन। हो सकता है लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पता नहीं लाइट है कि नहीं है, नहीं पता, चला के देखती हूँ, है लाइट ना। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है किचन, तो ये किचन का डोर है और ये बहुत पहले हमारे घर में बना हुआ था, तो ये किचन है। देखिए टाइल्स कितना जो उसने छोड़ दिया है ना, वो इतना ज्यादा गंदा कर रखे हैं। तो ये किचन है, यहाँ सिंक है और इस तरीके से ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो पूरा आप लोगों ने किचन देख लिया नीचे, मतलब किचन का जो साइज है ना वो काफी अच्छा है। तो हम तो बहुत पहले जब मैं छोटी थी तब इसमें रहती थी, उसके बाद तो मैं रही नहीं, मतलब आई थिंक ना 6-7 में मैं पढ़ती थी तब हम लोग इसमें नीचे वाले में रहते थे, उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए थे। तो इसका मैं कर देती हूँ लाइट ऑफ, तो ये किचन आप देख सकते हो ऊपर में ऐसे दिया हुआ है, और इधर साइड में है विंडो, इधर सिंक दिया हुआ है, नीचे थोड़ा सा स्पेस है, मतलब ऐसे ही सिंपल जो किचन होता है ना वो है, पहले का बना हुआ है इसीलिए ऐसा है। और चलिए मैं इसमें लाइट ऑफ कर देती हूँ और मैं आपको ले चलती हूँ दूसरे रूम में, इसको मैं ओपन करूँगी क्योंकि पापा ने बोला है ओपन करके रखना। उसके बाद यहाँ पे है एक रूम, तो रूम का लाइट पता नहीं इसमें लाइट है कि नहीं है, बड़ा कन्फ्यूज़न। हाँ चलो लाइट है, तो ये वाला ये गेस्ट रूम है नीचे का, तो इस इधर दिया हुआ है हैंग करने के लिए कपड़े वगैरह, इधर अलमारी कुछ बनाई हुई है जो दीवार में बनाते हैं, इधर विंडो है, और ये इधर का जो दरवाज़ा है ना ये गेस्ट रूम का मतलब बरामदे से खुलता है, मैं अंदर से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे कुछ हैंग किया हुआ है, मुझे तो मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, और यहाँ पे जैसे सामान वगैरह रखा हुआ है जो भी शादी वादी के लिए खरीदा रहे हैं ना, आटा, तुअर दाल, राइस और पता नहीं मैदा वगैरह कुछ, ये तो सामान यहाँ पे कुछ यहाँ रखा हुआ है साइड में, यहाँ पे ऑयल वगैरह रखा हुआ है। तो अभी तो जैसा कि पता है कि इसमें भी कुछ है, कुछ है सामान, मुझे नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही, तो जैसा कि होता है ना कि शादी के घर में बहुत सारे सामान, तो ये वाला फ्लैट खाली था तो इसी में रखा गया है, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये जो रूम है ना, मतलब ये जो रूम है यहाँ से, वो लास्ट वाला रूम पहले दिखाई थी, उसके बाद किचन है, ये रूम है, यहाँ से ये हॉल को जाता है और ये डाइनिंग हॉल है, हॉल में उस साइड जो है उस साइड में दूसरा फ्लैट है हमारा, और यहाँ पे ये इसमें भी सामान आया हुआ है, कुछ पता नहीं क्या सामान है, मुझे पता ही नहीं है क्या सामान है इसमें, देख हाँ इसमें सारे जो डिस्पोजल होते हैं ना वो सारा है इसमें भरा हुआ है, प्लेट, ग्लास और जो भी कॉफ़ी पीने के लिए जो छोटे छोटे कप होते हैं वो सारी चीज़ें भरी हुई हैं, और ये ऐसे ही बड़ा सा ही बॉक्स आ गया है क्योंकि इन सबको ज़रूरत पड़ेगी। बाद ये यहाँ पे ऐसे कुछ पता नहीं क्या रखा हुआ है, मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पे वॉश बेसिन अभी काफ़ी टाइम से खाली है, मार्च से ही पापा ने खाली कर दिया, करवा दिया था कि शादी है शादी है, शादी हुई नहीं, लॉकडाउन लग गया तो उस टाइम से ये खाली है। यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह दिया हुआ है, इस साइड में मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे दिया हुआ है ये, मतलब ऐसे थोड़ा सा स्पेस है जैसे कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए, टैप लगी हुई है और जैसे कोई ना मशीन जिसको रखना है यहाँ पे साइड में मशीन रख सकते हैं। एंड इधर मैं दिखाती हूँ लैट बाथरूम है, ये इस फ्लैट का ये बाथरूम, ये दिख रहे हो आप, तो इसमें भी कुछ डोर इस तरीके से लगा हुआ है, लाइट इसमें की ऑन है, तो ये बाथरूम है और इधर है बाथरूम एंड लेट बाथरूम इधर है। तो बस ये कंप्लीट हो गया, करा दिया मैंने, पूरा करा दिया आपको होम टूर, और उसके बाद मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे पापा भी आ गए हैं, भाई भी है, और ये है बरामदा को जाता है। तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर, इस ब्लॉग को ये पेंट करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं स्टार्ट करूँगी छठ पूजा का ब्लॉग, मतलब खरना का जो ब्लॉग होता है उसकी तैयारी मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है। तो इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग का आप लोग वेट करिएगा, कल मैं अपलोड करूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।